नमस्कार, आप सब देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं एक बार फिर आपके साथ सारिका साहू लेकर आई हूँ कुछ खास। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं देवेंद्र शर्मा गुरुजी बुलंदशहर से। आज हम बात करते हैं गेहूं क्रय केंद्र पर घटोतली पाए जाने पर बुलंदशहर के डीएम ने सहायक केंद्र प्रभारी को जेल भेजा। गेहूं क्रय केंद्र का किया निरीक्षण। बुलंदशहर के गेहूं क्रय केंद्र पर घटलौती पाए जाने पर बुलंदशहर डीएम ने सहायक केंद्र प्रभारी को जेल भेजा। बुलंदशहर डीएम ने गेहूं क्रय केंद्रों का किया आलोचक निरीक्षण। गेहूं क्रय केंद्र प्रभारी क्रय केंद्र से मिले नदारद। क्रय केंद्र पर स्टॉक और खरीद पंजिका में भी मिली मिलावट। निरीक्षण के समय क्रय केंद्र पर लगे कांटे में भी गड़बड़ी रही। डीएम ने क्रय केंद्र पर गेहूं का बोरों का कांटे पर रैंडम वजन कराया। रैंडम वजन कराने के दौरान बोरों में निर्धारित मानक से ज्यादा वजन मिला। घटतौली और भारी अभिमेतता मिलने से भड़के डीएम रविंद्र कुमार। नाराज डीएम ने मौके पर ही थाना छतारी को तत्काल सहायक केंद्र प्रभारी को गिरफ्तार करने और जेल भेजने के दिए आदेश। डिप्टी आरएमओ को केंद्र प्रभारी और सहायक केंद्र प्रभारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी करने के दिए आदेश। इसी के साथ अब हम बात करते हैं बुलंदशहर के सिकंदराबाद की दादरी गेट चौकी में शनिवार रात उस वक्त देर रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला, जब पहली पत्नी की तलाक दिए बिना युवक ने दूसरा निकाह कर लिया। सूचना पर आरोपी की पहली पत्नी परिजनों के साथ सिकंदराबाद पहुंची और वो लोग आरोपियों को चौकी पर लाए। बुलंदशहर के सिकंदराबाद के दादरी गेट चौकी में देर रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला, जब पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही युवक ने दूसरा निकाह कर लिया। सूचना पर आरोपी की पहली पत्नी परिवारजनों के साथ सिकंदराबाद पहुंची और वो लोग आरोपी पति को चौकी पर लाए। इस मामले में दादरी गेट चौकी इंचार्ज कुलदीप सिंह ने दावा किया कि पीड़ित पत्नी ने पहले से ही पति के खिलाफ मामला दर्ज करा रखा है, इसलिए पीड़ित और उनके परिवारजन सिकंदराबाद पुलिस को बिना तहरीर दिए वापस लौट गए। पेश है उदित राज बुलंदशहर से देवेंद्र शर्मा गुरुजी की खास रिपोर्ट। देखते रहिए उदित राज न्यूज। कौन आपका? किस लिए आई हो यहाँ? काय की? किसने? साकिर ने। कौन है साकिर? हस्बैंड। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरा निकाह कर लिया? जी, मुझे बिना पूछे कर दिया। क्या आपका कोई कोर्ट में चल रहा है केस? जी। कितने दिन से? अभी से 6 महीने से चल रहा। तो आज उसने दूसरी शादी कर ली? जी। तो आप क्या चाहती हो? मैं तो जाना चाह रही हूँ। उसके साथ रहना चाह रही हो? जी। वो क्या कह रहा है आरोपी? वो कह रहा है मैं नहीं रखूंगा। फिलहाल वो कहाँ है? वो तो यहाँ चौकी में बंदा ही बता। चौकी में बंदा। तो ये थी हमारी आज कुछ खास बात। फिर मिलते हैं आपसे एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप सब देखते रहिए उदित राज। मैं सारिका साहू आपसे इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।